बड़े स्मगलर बने फिरते हो। लाल किला आधी चीज बेचने में क्या कमाल है, ऐसी हरकतें तो छिछोरे लोग करते हैं। लंदन के एफिल टावर का नाम सुना है कभी? एफिल टावर वो तो पेरिस में है। लंदन में था, मैंने पेरिस में बेच दिया। तुम लोग अभी दूध पीते बच्चे हो। अब कंप्यूटर गोडाउन में बैठा सारी दुनिया का हाल अपने स्क्रीन पर देख रहा है और लुत्फ ले रहा है टीवी पर आने वाले प्रोग्रामों का। इस बात से अनजान जब दूसरे दिन अप्पू और उसके साथी आते हैं तो थैंक यू। बस क्या है, उठो जाने देना। तब फिर क्या फायदा उठाया, उठो जाने देना। ओहो क्या बच्चे हैं, हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। Alexander the Great invaded India. Alexander the Great invaded India in 326 BC. In 326 BC. BC. He entered the country. He entered the country. Through the northwest frontier. Small. Autonomous states at that time. क्या है? हिंदी बुक्स फीडिंग करनी है ना, स्लॉट कहाँ है? अरे बुद्धू ये बकरी थोड़ी कंप्यूटर है, इसमें पेपर खिलाते नहीं, पंच करते हैं। पंच? इसे नहीं, छेद हो जाएंगे, नेहा मारेगी, उसके नोट्स है ना। And each of them had a king who was the representative governor. Not enough warning. Sorry. These states had neither the resources nor enough warning. Between themselves. By this time, Alexander's soldiers were demoralized. Homesick. Alex, एक काम करे, इसकी मेमोरी चेक करे, देखें ठीक चलता है नहीं। ओके। अच्छा इससे पूछ, अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? अलेक्जेंडर ने जब हमला किया था तो नॉर्थ वेस्ट की क्या पॉलिटिकल पोजीशन थी? Yeah!
पहला किंग कौन था? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। लगता है तुम लोग मुझसे डर रहे हो। डरता कौन है? हम कोई बच्चे हैं क्या? तो आओ मेरे पास। अब्बो तू जाना, तुझे बुला रहा है। श्रीकांत तू जाना, खा थोड़ी ना जाएगा। तू जाना, तुझे शौक था। चल गया कंप्यूटर। लगता है तुम्हें मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा। तो ठीक है, मैं चुप कर जाता हूँ। तो बंद हो गया, इतनी मुश्किल से तो चला था। तेरी वजह से। तू डरा क्यों था? तू चीखा क्यों था? मैं चीखा था, डरा थोड़ी था। मैं तेरी चीख से डर गया था। कुछ करना। मैं क्या करूं? इतने मुश्किल से तो चला था, तो फिर से चला दे ना। चला दे, फिर चलेगा तो फिर डरेगा। नहीं नहीं, अगर फिर चलेगा तो मैं नहीं डरूंगा। प्रॉमिस। तो फिर आओ ना मेरे पास। पास? आओ। पास? जाना। आओ। आओ। अभी भी डर रहे हो? अरे ये तो कुछ नहीं करता, सच में दोस्त है। श्रीकांत शायद चलते तो कुछ नहीं करता, दोस्त है। तुम भी आओ अप्पू। अप्पू, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो तुम सबके नाम जानता हूँ। ये है श्रीकांत और ये है शाहिद। लेकिन ये तो हमने तुम्हें फीड नहीं किया था। मैं सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे थोड़े लेता हूँ। फिर कहाँ से लेते हो? जहाँ से तुम लेते हो। हम तो स्कूल जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं। मैं भी देखता हूँ। तुम्हारे घर में भी टीवी है क्या? डम्बो यू नो, यहाँ से मैं ऐसे ही शेम में सवाल पूछते रहता है। इसलिए तो प्यार से हम इसे डोड़ो बुलाते हैं। टीवी क्या है, ये क्या है? इसके साथ ही हमारी आज की अंतिम सभा अब समाप्त होती है। रात्रि के 11:30 बजे हैं, सुबह 7:30 बजे। इसके टीवी में तो अभी से ही 11:30 बज रहे हैं। अरे सचमुच 11:30 बजे, I'm so late। क्यों हंस रहे हो? ये अपने घर में सबसे छोटा है, इसलिए बहुत लाडला है। अगर घर थोड़ा सा भी लेट पहुंच जाए ना, तो इसकी मम्मी बहुत चिंता करती होगी। बेटे पढ़ाई कर रहा है? ना, इंतजार कर रहा हूँ मैं कि कब तुम आओ और कब तुम मुझे अप्पू को ढूंढने के लिए भेजो। मैं उसे कब तक ढूंढने जाता रहूंगा मम्मी? हाँ देखो ना, अभी तक नहीं आया। कुछ भी चिंता नहीं उसे। चिंता करने के लिए तुम जो हो ना मम्मी, उसे क्या पड़ी है?
और फिर मैं भी तो हूं ना, तुम हर रात यूं ही चिंता करती रहना और मैं हर रात उसे ढूंढने जाता रहूंगा और वो हर रात मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों बोलता है बेटे? तो और क्या बोलूं मम्मी, मेरे भी तो एग्जाम्स हैं, सवा 11 बज गए। 11 बज गए? आने दे उसे, आज मैं उसे नहीं रहने दो मम्मी, रहने दो, मुझे सब मालूम है तुम क्या करोगी, तुम्हारी वजह से तो इतना बिगड़ गया वो। बस बस रहने दे, तो अपनी पढ़ाई कर बेटे। अप्पू गुम हो गया तो क्या, तेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना बेटे, तो अपनी पढ़ाई कर। गुम ही हो जाए तो अच्छा, इतना वो रहेगा ना, किसी को उसकी चिंता करनी पड़ेगी। उसके बाद जब ये पकड़ा गया ना, तो राणे सर ने इस मोटू को इतना भगाया कि अगले 3 दिन तक बिस्तर में ही पड़ा रहा। वो तो इसने टेस्ट से बचने के लिए किया था। पढ़ाई में जरा कमजोर है ना बेचारा। हाँ हाँ मैं कमजोर हूँ, तुम सब तो बड़े क्लेवर हो ना, इसीलिए तो कंप्यूटर बनाया है कि पढ़ना ही नहीं पड़े, फीड इन कर देंगे और कंप्यूटर सब पास करवा देगा। हाँ, काम चोर कहीं के। वो अभी तक सोए नहीं। टीचर अच्छे भी होते हैं। एक है जॉन सर। हाँ, जॉन सर बहुत अच्छे ड्राइंग टीचर हैं। हाँ, जब भी हमारे क्लास में कोई फ्री पीरियड होता है ना, तो जॉन सर आ जाते हैं और खूब जोक सुनाते हैं, खूब हंसाते, कभी नहीं डांटते और स्केचेस भी बहुत अच्छे बनाते हैं। स्केचेस तो मैं भी बना सकता हूँ। जॉन सर के जैसे स्केचिंग तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा ट्राई करता हूँ। जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छी है। IAS कर ले, कलेक्टर बन जाएगा। बंदर बंदर अपू यार, ये क्या हो रहा है? लगता है तूने बच्चों का कंप्यूटर बना दिया है। ये क्या है? सीवी रमन, इंडिया के पहले साइंटिस्ट जिन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे रिसर्च की थी और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। हाँ, इन्हें नोबेल प्राइज क्यों मिला था? एक मिनट, हैंग ऑन। कंप्यूटर ये है या हम? नहीं सॉरी, तो ये हमसे सवाल क्यों पूछ रहा है? सवाल हम पूछेंगे? हाँ हाँ, तो पूछो। वो कौन सा एनिमल है जिसे 3 दिल होते हैं? कैटलफिश। अच्छा, दुनिया में से कितने लोग चांद पर गए हैं? समुद्र में आग लग जाए तो मछलियां कहाँ जाएंगी? अरे तो फिर से बंद हो गया, अब तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम मुझसे बेवकूफी के सवाल पूछोगे तो मैं चुप कर जाऊंगा। चुप कर जाओगे कब तक? तूने फिर स्टूपिड सवाल पूछा। स्टूपिड था तो सॉरी। अब तक तू समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या? कि अगर कंप्यूटर से 2 स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लो तो वो बंद हो जाता है। नहीं मिला? मिला मम्मी, मिला, बहुत प्यार से मिला। आपको सलाम भेजा उसने। हद करती मम्मी, किसी अगर 12 बजे रात को जाए घंटी दबाओ और कहो आप सो तो नहीं रहे थे, हमारा अप्पू भाई खो गया, आपने देखा उसे कहीं? सॉरी। ये तो सचमुच डोडो है। हमने पहले नहीं कहा था क्या? डोडो। Thank you.
जा रहे और तुझे उसकी कोई चिंता नहीं, क्या तू यही चाहता है कि मैं ऐसे मर जाऊं? अरे मैं मर जाऊंगी तो तेरी चिंता कौन करेगा? क्यों करता है तुझे सब? अंदर आ। जा तुड़वा हाथ पर। दरवाजा बंद करो। इधर आओ। कहां गए दीदी ने? ये क्या घर आने का टाइम है? मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए कहा है ना, तुम्हारी नस्ल में मेरी बात की ये कारण? बोल फिर है घर से बाहर? इसीलिए कहती हूँ ना मत रहा कर बाहर, अच्छा लगा इतना बड़ा होकर भी छोटे बच्चों जैसे मार खाता है। आज तो मैंने तुझे बचा लिया, कल मैं नहीं रहूंगी तो कौन बचाएगा तुझे? मेरी बात मान बेटा, मैं जब तक जिंदा हूं पढ़ लिख ले, नौकरी कर ले ताकि मैं चैन से मर सकूं। आज तो मैं हूं जो तेरे नखरे उठाती हूं, कल मैं नहीं रहूंगी तो कोई नहीं रहेगा तुझे पूछने वाला। कल तो ये क्या बांध रही हो मम्मी? तावीज बांध रही हूँ, बुरी नजर उतर जाएगी फिर अच्छी तरह पढ़ लिख लेगा मेरा बेटा। हेलो, दिस इज चंद्रमलेश्वर। यस। आपके ताबीज का अप्पू के ऊपर कोई असर नहीं हुआ जी? ये तुम कैसे कह सकती हो? देखिए ना, कल रात को उसके डैडी ने उसको इतना मारा, मैंने समझाया, फिर भी आज सुबह घर से गायब है। जिस शैतान पे मार का असर ना हो उस पे ताबीज क्या असर करेगा?